नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। ये है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। आज के मुख्य समाचार। सीबीएसई के सिलेबस में 30% कटौती। विकास दुबे का सुराग नहीं, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल अलर्ट। राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा, नियमों में बदलाव का किया विरोध। एनजीटी ने आंध्र प्रदेश में 2 कंपनियों को विशाखापट्टनम और कुरनूल जिला प्रशासन को गैस रिसाव के पीड़ितों की मुआवजा राशि 2 सप्ताह के अंदर देने के निर्देश दिए। गिलानी के परिवार ने कश्मीर में विरोध प्रदर्शन के आह्वान वाले पत्र को फर्जी बताया। महिला सैन्य अधिकारियों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू करने, केंद्र को 1 माह की मोहलत। यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत। राजनाथ सिंह ने सीमाओं के पास चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की। जिंदल स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी ने विद्यार्थियों को सशक्त बनाने के लिए विश्व स्तर पर 20 संगठनों के साथ भागीदारी की। कोविड-19 से मुंबई में बुरा हाल, चीनी से ज्यादा मौतें और मामले हुए दर्ज। पुलवामा में मुठभेड़, 1 आतंकी मारा गया, सेना का 1 जवान भी हुआ शहीद। कुछ स्पेशल ट्रेनों को रोज की बजाय साप्ताहिक चलाने का फैसला। ओला के ग्राहक अब कर सकेंगे फोन पे से भुगतान, दोनों कंपनियों ने की साझेदारी। 7 दिन के विराम के बाद बढ़े डीजल के दाम, पेट्रोल की कीमत स्थिर। सेंसेक्स 187 अंक चढ़ा, निफ्टी 10,800 पर बंद।